हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास सेवेंथ स्पेशल इंग्लिश के चैप्टर सिक्स को, द किंग्स चॉइस। इसके पार्ट वन को हम लोग पहले देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट टू को कवर करेंगे। अगर आपको पार्ट वन नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन सिक्स, द किंग्स चॉइस के पार्ट टू को। अभी तक पार्ट वन में हमने देखा था कि जो लोमड़ी है वो जाती है डेजर्ट और ऊँट को ले आती है, तो दोनों कोटियस क्रो लेपर्ड को सरप्राइज होता है। साथ में जो लॉइन था वो भी खुश हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मजेस्टी, सेड द फॉक्स। वेल रिटर्न होम, लोमड़ी ने कहा कि महाराज आप कैमल की बैक पीठ पे चढ़ जाइए, हम लोग घर चलेंगे। द लॉयन एट वन, जो था लॉयन था, तत्काल ही जंप ऑन द कैमल्स बैक एंड द फॉक्स एंड द लेपर्ड सैट बिहाइंड द लॉयन। शेर तत्काल ही कूद कर कैमल्स की पीठ पर बैठ गया और उसके पीछे फॉक्स और लेपर्ड जो थे वो भी उसके पीछे बैठ गए, शेर के पीछे। वेन दे रिटर्न टू द फॉरेस्ट, जब वो जंगल वापस आए, दे वर टायर्ड एंड हंग्री, तो वह थके हुए और भूखे थे। द थ्री एडवाइजर लुक्ड एट द कैमल इंटेंटली। इंटेंसली जो तीनों एडवाइजर थे वो ऊँट को कैसे ललच भरी निगाहों से देख रहे थे। देन दे लुक्ड एट ईच अदर, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा एंड स्माइल्ड मिस्टीरियसली, और कैसे बड़े ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। दे थॉट इट वॉज टाइम फॉर डिनर नाउ, अब वो सोचने लगे कि किसका वक्त हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है। द लॉयर न्यू, जो शेर था वह जानता था व्हाट वॉज गोइंग ऑन हिज कोर्टियर्स माइंड, कि उसके दरबारियों के मन में क्या चल रहा है। ही टर्न टू द कैमल्स एंड सेड, वह ऊँट के पास गया और बोला, आई हैड टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरे प्राणों को बचाने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यू आर वेलकम टू लिव विथ अस एज लॉन्ग एज यू लिव, तुम्हारा हमारे साथ, जब तक तुम जियो तुम्हें तुम्हारा हमारे साथ रहने के लिए स्वागत है। आई प्रोमिस्ड यू माई प्रोटेक्शन, और मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा देने का वचन देता हूँ। द कोर्टियर वर शॉक्ड, जो दरबारी थे वो आश्चर्य में पड़ गए। दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड, और उन्हें निराशा हुई। टू नो, ये जानकर दैट कि द किंग वॉन्टेड द कैमल टू लिव, विच दे ब्रॉथ हर हेयर फॉर डिनर, तो जिसे वो यहाँ डिनर के लिए लाए थे उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। हाउएवर, तब भी दे कुड नॉट कंप्लेन एज ही वॉज द किंग, फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वह एक राजा था। नाउ अब द लॉयन कुड नॉट हंट एज हिज पॉ बर बैडली वर्न, अब जो शेर था वो शिकार नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जो पैर पंजे थे वो बुरी तरह जल गए थे। ही वॉज वेरी हंग्री इंडीड, लेकिन वह बहुत भूखा था। फॉक्स लेपर्ड क्रो, ही रोअर्ड, वह दहाड़ा, ही लोमड़ी चीता और कौआ, डोंट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता, आई एम इल एंड हंग्री, कि मैं बीमार हूँ और भूखा हूँ। गो एंड गेट मी सम फूड, जाओ मेरे लिए कुछ भोजन ले आओ। द कोर्टियर हैड टू ओबे द किंग, जो कोर्टियर्स थे उन्हें राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। दे वेंट आउट, वो बाहर गए या चले गए, एंड सेट डाउन टू डिस्कस व्हाट टू डू, और बैठकर बातें करने लगे कि क्या किया जाए। आई हैव प्लान, मेरे पास एक योजना है, सेट द फॉक्स आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद किसने कहा, लॉमड़ी ने कहा कि मेरे पास एक योजना है। वी शैल मेक द कैमल रिक्वेस्ट द लॉयन टू ईट हिम, हम ऊँट से क्या करवाएंगे, रिक्वेस्ट करवाएंगे कि शेर उसे खा ले। ही टोल्ड द प्लान एंड दे ऑल एग्री दैट इट वॉज अ गुड आइडिया, उसने उन्हें अपनी योजना बताई और जो सभी थे वो इस बात से सहमत हो गए। इसलिए दे कम बैक टू द किंग, वह राजा के पास वापस आए। फर्स्ट, सबसे पहले द क्रो स्टेप फॉरवर्ड, कौवा आगे आया।
वॉबिंग लो थोड़ा प्रणाम करते हुए झुकते हुए बोला, योर मजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड, हमें कोई भोजन नहीं मिला है, बट लेकिन वी कैन नॉट लेट यू सफर, हम आपको पीड़ित नहीं रहने देंगे, आई एम लिटिल क्रिएचर, मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, प्लीज ईट मी, मुझे खा लीजिए, सेड द क्रो, ऐसा कौवे ने कहा। द फॉक्स पुश द क्रो साइड, तभी लोमड़ी ने उस कौवे को साइड में धकेल दिया और बोला, आई मोर फ्लैश ऑन मी, मेरे मुझ में बहुत ज़्यादा मांस है, प्लीज ईट मी सर, कृपया मुझे खा लीजिए। द लेपर्ड रस्ट इन, तभी जो चीता था अंदर आया धक्का देते हुए, आई एम इवन बिगर सर, लेकिन उसने कहा, श्रीमान जी मैं इन सबसे कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ। सीइंग देयर प्रपोजल ऑफ द ऑफरिंग, उनके जो ऑफर करने का प्रपोजल था इसको देखकर, द कैमल टू वांटेड टू शो हिज लॉयल्टी टू द किंग, जो कैमल था वो भी क्या चाहता था, राजा के प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, वो भी बोला, योर मजेस्टी ही सेड, ऊंट बोला कि महाराज, आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव योर्स, मैं आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपना बलिदान देना चाहूँगा। These friends are more useful than I am. ये जो मित्र हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा उपयोगी हैं। Eat me please, तो कृपया मुझे खा लीजिए। These words brought smile afresh on the face of the advisor. इस शब्दों ने उन एडवाइजर के चेहरों पे क्या एक ताज़ा स्माइल मुस्कुराहट ला दी। But लेकिन the lion stopped them. राजा ने उन्हें मना कर दिया, बोला, You are All good and loyal. तुम सब अच्छे और वफादार हो. I am really touched by your offers. और मैं तुम्हारे इस ऑफर प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ हूँ. I shall eat you one by one as you offered yourself in order. और मैं तुम लोगों को कैसे खाऊंगा? ठीक उसी प्रकार खाऊंगा जैसे जैसे तुम लोगों ने ऑफर किया है, जिस ऑर्डर में, यानी पहले कौवे को, फिर लोमड़ी को, फिर लेपर्ड को, लास्ट में ऊँट को। Now for a moment did they wait. वो एक क्षण के लिए नहीं रुके, and the three ran away from there. और तीनों के तीनों जो एडवाइजर थे वहाँ से भाग गए. The lion had a hearty laugh. तो जो शेर था वो जोर से हंसने लगा. He said to the camel. उसने कैमल से कहा, We have been loyal and good. कि तुम वफादार और अच्छे हो. You shall be my friend as long as I live. और जब तक मैं जीऊंगा तो मेरे दोस्त रहोगे. दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी, और इस बात ने ऊँट को बहुत खुश कर दिया. तो ये था हमारा पार्ट टू, जो स्टोरी थी कि कैसे राजा और ऊँट, जो लॉयन जो था उसने ऊँट का चुनाव किया और उसे अपना दोस्त बनाया. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं. इसकी जो एक्सरसाइज है और कंप्रेहेंशन के क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.